गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोथ की राम राम। साथियों, कल का जो वाक्य हुआ है, जैसे राकेश टिकैत जी की एक वीडियो वायरल हुई है, तो अपनी आंसू उसके यानी अंदर से निकल रहे हैं, तो जो भावना थी नहीं, उससे प्रेरित होकर रात को ही किसान हरियाणा से लाखों ट्रैक्टर निकल चुके हैं, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर निकले और लाखों किसान थे। तो रात को मैंने 3 बजे तक वीडियो डाली थी, कई भाइयों ने मेरे पास वीडियो भेजी थी, तो हमारे साथ कुछ किसान बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम कैप्टन बलवान, वाइस प्रेसिडेंट जींद। जींद से? हाँ जी। जो ये आंदोलन चल रहा है जी, इसके बारे में बता दो। सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये आंदोलन चला हुआ है, ये जो किसान तीन बिल थे MSP उसको कैंसिल करवाना चाह रहे थे, उसके बारे में हैं। और हर जगह से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, हर जगह से लोग इसको, जो भी किसान है पूरा भारतवर्ष में, सारा इसका विरोध करते हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जो किसानों की मांग है उसको अपने समय पर अपना वापस किया जाए इन बिलों को। और इससे ज़्यादा इतना संघर्ष कर रहे हैं, चाहे औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, तो आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है इस बिल को जल्दी से जल्दी। जी, जैसे केस तो दिल्ली में होता है टिकैत साहब पर, और यूपी पुलिस उठाने आती है, 20,000 के आसपास पुलिस भेजी जाती है, तो ये क्या है? बस कुछ नहीं है, सरकार की नाकामी है। एक शेर को पकड़ने के लिए इतने बंदों की तो ज़रूरत नहीं है। जब सरकार हमारे एक बंदे को पकड़ने के लिए 20,000 मतलब लोगों को भेजती है, तो उनको सोचना चाहिए, जो इतने किसान उनके पीछे बैठे हैं, तो उसके लिए कितनी आर्मी होगी और कितने पुलिस के जवान चाहे मतलब उनको चाहिएंगे। और जो आर्मी है और पुलिस है वो कब तक साथ रहेगी? आखिर में जब हमारी आन बान शान पे बात आएगी, या हमारी कौम पे बात आएगी, या किसान कौम पे बात आएगी, तो वो हो सकता है अमेरिका की तरह वो भी अपने हथियार डाल दे। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और शेर कभी गिरफ्तार नहीं होते। नहीं, केस तो दिल्ली में हुआ है, यूपी पुलिस कैसे उठाने आई? हमारे देश में कानून है कहाँ? कानून तो है ही नहीं। कानून तो पुराने टाइम की बात हो चुकी है। इन लोगों ने तो, मीडिया है, जज है, कोर्ट है, पुलिस है, आर्मी है, सभी कुछ तो मतलब सारा ताक पे रख रखा है। ये लोग तो तानाशाही पे उतारू हैं अब भाई। ये तानाशाही के दम पे ही इस इंडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही, इस सरकार को ये समझना चाहिए, जो किसान कुछ टाइम के लिए वहाँ गए थे उन्होंने घर वापसी की है, हमने आंदोलन वापस नहीं लिया और ना हम आंदोलन लेंगे, क्योंकि हमने तो अपनी जान की बाजी लगा रखी है। हमारे लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम सरकार को आज भी ये हिदायत देना चाहते हैं, प्लीज़ आप उल्टे सुलटे काम ना करके इन बिलों को आप ख़त्म करिए, ताकि जवान और किसान और जो भी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो अपने घर को संभाल सके। क्योंकि जी हमने तो एक बात सोच रखी है भाई, ये लड़ाई चाहे हमें 2024 तक लड़नी हो, और जो टिकैत साहब के आंखों से जो आंसू पड़े हैं ना, हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। उसने जो बुजदिल लोग थे ना, उनको भी शेर जैसा जज्बा दे दिया है। अब तो गांव के गांव ही दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। और अब तो सरकार ने जो आंदोलन तोड़ने की नाकाम कोशिश करी थी, टूट तो जब भी नहीं रहा था, पर उनके दिमाग में जो थोड़ा सा बैम पैदा हो गया था, वो बैम ही खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल से आज के, और मजबूत नहीं हो गया। अब तो ये बात होगी भाई, सारी खापों ने एक बात कह दिया, तन मन धन कुछ भी खत्म हो जाए, पर हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। ये हमारी अब आन बान और शान की लड़ाई है, और हम इसको जीतना ही जीतना है। इस जो ये निकम्मी सरकार है, इसको ये दिखाना है भाई, अभी हम मरे नहीं है, हम बुजदिल नहीं है, हम लड़ना जानते हैं। टिकैत जी के आंसू छलके हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा है। आंसू छलके हैं, अंदर का उनका दर्द था, लेकिन हम एक चीज़ कहेंगे कि कोई भी स्वार्थी तत्व है, कोई भी इसके बीच में ना आए। और जो 26 जनवरी को जो घटना हुई, उसके लिए हमें बहुत बहुत गौर निंदा करते हैं और बहुत दुख है। अभी एक पर्सनल आदमी की बात नहीं लेनी चाहिए, इसमें क्या है, सबका भाईचारा और पूरी जो जनता है उसको मद्देनज़र रख करके काम किया जाना चाहिए। ये बीच में स्वार्थी तत्व कुछ घुस करके और गलत काम करते हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए। जो 23 और 24 तारीख को ट्रैक्टर गए थे,
तो वो वापस आए परेड के बाद। सरकार को ऐसा तो नहीं लगा कि आंदोलन टूटने का कगार पर है? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है वो तो सरकार सोचे, अपना अपना सोचने का अपना अपना ढंग है। लेकिन क्या है कि मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जनता से भी कि कोई किसी प्रकार का उपद्रव ये ना हो, अनुशासन में रह के संविधान की मर्यादाओं का ध्यान रख करके अपना काम किया जाए। पहले तो जी जो झंडा फहराया गया था नहीं, जो निशान साहिब का, उसके बारे में बताओ। ये जो सरकार का अड़ियल रुख और असामाजिक तत्व, जो बैड एलिमेंट्स इस आंदोलन के अंदर घुसे हैं और इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, इसको कमज़ोर करने की जो साजिश रची गई, इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं अच्छी तरीके से, हमारे जवान, हमारे किसान भी परिचित हैं, एक उसके अंदर किसान नहीं थे और सामाजिक तत्व ने जो देश की, हमारा तिरंगा झंडा जो देश की हमारी आन बान शान है, जो सबके लिए के हमारे लिए बहुत ही सर्वोपरि है, उसके जगह पे जो इन्होंने, जो उपद्रवियों ने, जो शरारती तत्वों ने जो ये नमूना पेश किया, ये बहुत बड़ी गलती है। इसकी हम बहुत घोर शब्दों में निंदा करते हैं। पर ये जो असामाजिक तत्व घुसे और ये एक प्री प्लान्ड, मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि ये एक प्री प्लान्ड है, एक बनाया गई एक साजिश थी और इस साजिश के तहत ये हुआ है। और सरकार की मंशा थी भाई हम इस आंदोलन को कमज़ोर करेंगे और इसे आंदोलन है जो इसको कुचलने की कोशिश की, जो हमारे किसान भाइयों की एकता, संयम और शांति प्रिय प्रदर्शन को देखते हुए, और हम इसके ऊपर आँच नहीं आने दी, ये हमारे किसानों की सबसे बड़ी जीत मानता हूँ मैं। जो ये बैड एलिमेंट्स है जिन्होंने झंडा फहराया है निशान साहिब का, तो गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? तो ये तो इस सरकार की साजिश है। अगर वो ये दिखा दे कि ये हमारे पार्टी के आदमी हैं और हमारी मीडिया के आदमी हैं, और मीडिया चीज़ को तो ये आंदोलन ने दिखा रही, यही तो सबसे बड़ी भूल है और यही हमारी ताकत भी है। किसान जब एक आदमी की पहचान होने के बावजूद भी अगर वो मीडिया नहीं दिखा रही है, तो इसलिए तो हम आज इस आंदोलन को, इस जन आंदोलन को हम स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारा स्ट्रेंथन जो डे बाई डे है, जो और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। मीडिया है जो उसको चौथा स्तंभ माना जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना है? जैसे गोदी मीडिया है, ये बिल्कुल एक तरफा मीडिया है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ये लोकल मीडिया है, ये इन किसानों की आवाज़ उठा रही है और वहाँ तक पहुँचा रही है। लेकिन उस दिन जो आपकी लोकल मीडिया थी, इसको भी बिल्कुल ख़त्म किया गया था। और सरकार ऐसा ना करे कि एक तरफा की कार्रवाई दिखाए, जो भी चीज़ है दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, और जो जिसकी गलती है उसको आगे लाए और उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और उस ऐसा जो बंदा है, ऐसा इंसान है, उसका सरकार बिल्कुल सही प्रकार से उसका छानबीन करें और कड़ी से कड़ी उसकी सज़ा दी जाए। यूपी सरकार ने जैसे पानी और बिजली हारी थी, उसका कनेक्शन भी काट दिया है जो गाजीपुर बॉर्डर का, और जैसे टैंकर भेज रहे थे केजरीवाल सरकार, वो भी रोक लगाने की कोशिश करी अभी। देखिए, प्रोटेस्ट करना हर देशवासी का अधिकार है। उस प्रोटेस्ट में अगर कोई बैड एलिमेंट घुसता है, उसको बाहर निकालना भी सरकार का काम है। सरकार इस मुद्दे पे बिल्कुल फेल साबित हुई है। रही बात तिरंगा, हमारा सबसे सर्वोपरि है, तिरंगे के सम्मान के आगे कोई भी चीज़ है वो मतलब कम है। सरकार किसानों की मांगों को मानते हुए, और जो बैड एलिमेंट जो घुसे हुए थे कहूँगा, अब नहीं है, उनको जेल में डाले और किसानों की मांगों पर उनको मानते हुए इन पर गौर करे, विचार करे। और 2 महीने करीब हो गए हैं, 2 महीने करीब हो गए हैं, और आगे भी बैठने की तैयारी है। मतलब दुखी आदमी ही बैठता है। हमारी सभी देशवासियों की भावनाएं किसानों के साथ हैं, और सरकार को पुनर्सोचने पर विचार करना चाहिए कि इतने दिन से घर छोड़ करके बैठे हैं, इनको घर वापस भेजा जाना चाहिए, इनकी मांगों को मान जाना चाहिए। जैसे खाप थी वो अब तो पूरी मतलब ऊंचा लेवल पर खड़ी हो चुकी है, गांव के गांव उठ चुके हैं, तो अब दिल्ली का घेराव तो और भी ज़्यादा संख्या में होगा। देखिए, मकसद दिल्ली का घेराव करना नहीं है, मकसद हमारी मांगों को मनवाना है, मकसद उपद्रव करना नहीं है।
घेराव तो जब होता है ना, जब कोई मांग नहीं मान रहा हो, अब नहीं मान रहे तभी घेराव की बात आ रही है। जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, मांगे मान ली जाएंगी तो घेराव कहाँ होगा, नहीं मांगी जाऊंगी तो घेराव से बढ़ के भी और चीज़ें होंगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, जो भी नई बात लिकट का हुआ है आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश कर रहा, तो किसानों के साथ लगातार बन रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।